हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू कोहली और आज मैं आपको सिखाऊंगी जेल नेल एक्सटेंशन में जेल ओम्ब्रे कैसे करते हैं और साथ ही ट्रांसपेरेंट टिप में हम लोग फ्लिकिंग पाउडर कैसे डालते हैं और उसके ऊपर स्पाइडर जेल करके हम ब्रश आर्ट्स कैसे करते हैं, वो भी मल्टी कलर्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने ऑलरेडी नेल एक्सटेंशन कर लिया है पहले से, और अगर आप नेल एक्सटेंशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप उसमें एक हाउ टू डू नेल एक्सटेंशन की वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। जो हमने नेल एक्सटेंशन करे हैं हम उसके ऊपर परमानेंट जेल पॉलिश एप्लीकेशन कर रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो हमने रिंग फिंगर पे ट्रांसपेरेंट टिप यूज़ करी है और उसके अंदर थोड़ा सा फ्लिकिंग पाउडर भी हमने अपने जेल में ऐड ऑन किया है, और बाकी नेल्स पर हम लोग परमानेंट जेल कलर लगा के इसे प्रॉपरली, देखिए फर्स्ट कोट जो है हमें बहुत पतली लगानी है, लगाने के बाद बहुत ध्यान से लगाइए ताकि आपका क्यूटिकल एरिया और साइड बॉल्स में ना लगे, और अगर लगे भी तो इस तरीके से टूथपिक का यूज़ कर लीजिए और आप इसे लैम्प में क्योर कर देंगे। क्योर करने के लिए अगर आपके पास एलईडी है तो 90 सेकेंड्स इनफ हैं, और अगर आपके पास यूवी लैम्प है तो यू हैव टू क्योर इट फॉर 120 सेकेंड। दूसरे वाले हैंड को भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, उस पर हमने अगेन ब्लॉब ऑफ कर रहे हैं और उसके ऊपर कलर एप्लीकेशन करेंगे। सो प्लीज़, आप हमारी अदर वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इस हैंड में भी हमने रिंग फिंगर के ऊपर ट्रांसपेरेंट टिप लगाई है और उसमें हमने जेल में फ्लिकिंग पाउडर या फिर आप जिसे फॉइल भी कहते हैं उसे हमने मिक्स करके एप्लीकेशन कर दी थी और सारे नेल्स को बफिंग करके रेडी करके रख दिया। नेल्स की जो शेप हमारे क्लाइंट के लिए हमने रखी है वो है कॉफिन शेप। इस आग को भी हम क्योर कर देंगे और तब तक हमारा दूसरा वाला हैंड क्योर हो चुका है, और अब हम सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे हमारे जेल पॉलिश की। गाइज, हमारे जो चैनल का नाम है वो है द ज्ञान गुरुजी। आप मेरी जितने भी वीडियोस देखना चाहें नेल आर्ट से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। सो सी, आपने नेल जो पॉलिश अप्लाई करेंगे, जेल पॉलिश आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, सभी ब्रांड की जेल पॉलिशेस बहुत अच्छी होती हैं। कुछ ब्रांड्स की नेल पॉलिश में सेकेंड कोट में ही आपका कलर जो है काफ़ी अच्छा आ जाता है, और कुछ पॉलिशेस ऐसे होती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि उनके कलर्स ऐसे होते हैं उनमें हमें 3 to 4 कोट्स भी देने पड़ते हैं। तो जिन पॉलिशेस में, कोशिश कीजिए ऐसे कलर्स यूज़ कीजिए जिनमें आपको जो है 2 कोट्स में आपका कलर क्लियर आ जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टिप एरिया से ना उसे कैपिंग भी कर रही हूँ, तो आप उसे कैपिंग करना मत भूलिए बिकॉज़ ये हमारे नेल्स की फाइनल लुक होती है। तो अगर हम कहीं से भी इसे छोड़ देते हैं साइड्स में से या टिप एरिया में से जैसे आप देखें, तो वहाँ पर जो है बहुत ही वो बैड इम्पैक्ट आता है, लुक उसकी प्रॉपर कवर अप नहीं होती है। अब रिंग फिंगर में हमने हाफ एरिया पे कलर एप्लीकेशन किया है और इसको हम स्पॉन्ज से ब्लेंड कर देंगे ताकि हमें उसमें एक ओम्ब्रे इफ़ेक्ट मिल सके। और जैसे कि आपने उसमें देखा कि हमने ऑलरेडी जो है फ्लिकिंग पाउडर जेल में मिक्स करके लगा दिया है, उसके ऊपर ही मैंने कलर एप्लीकेशन कर दी है हाफ एरिया पे। अब सेकेंड हैंड पे भी मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रही हूँ, आप अगेन देख सकते हैं। कैपिंग एरिया मत भूलिएगा प्लीज़। दूसरे हैंड में जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो कलर क्योर हो रहा है, तब तक हम इसमें एप्लीकेशन कर देंगे, और जैसे ही वो क्योर होगा तो उसमें हम कुछ कलर्स चूज़ करे हैं हमारे क्लाइंट ने, लाइक पैरेट ग्रीन एंड येलो, तो हम पैरेट ग्रीन एंड येलो का ओम्ब्रे लुक देंगे। तो अब वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब सारे नेल्स पे हमारा जो कलर 2 कोट्स हैं वो क्योर हो चुके हैं, उनके ऊपर हमने पैरेट ग्रीन कलर का फ्रेंच के तरीके से कलर दे दिया है।
इस पे हमने गलती से दे दी तो उसको वाइप आउट कर देंगे। बाकी नेल्स पे जिस पे हमने फ्रेंच बनाया है उस पे हम क्लियर स्पॉन्ज से सिर्फ लाइन को ब्लेंड कर देंगे इजीली, जिससे कि हमारा ओम्ब्रे इफेक्ट और अच्छा क्रिएट हो सके। दूसरे हाथ में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगेन हम इस पे फ्रेंच बनाएंगे, स्ट्रेट फ्रेंच, सिर्फ हाफ टिप ऑफ एरिया पे, जितना एरिया पे हमारे क्लाइंट को ओम्ब्रे लुक चाहिए। और बिकॉज हमने इसमें येलो भी देना है अभी, तो हम उसको भी ब्लेंड करेंगे, तो इसलिए उसके लिए भी मैंने जगह छोड़ दी है। मिडिल फिंगर को और रिंग फिंगर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें हम कुछ और डिज़ाइनिंग क्रिएट करेंगे, लाइक ब्रश आर्ट, स्पाइडर जेल, और सेम दूसरे हाथ पे जैसे हमने कलर की कोट करी थी हाफ एरिया पे रिंग फिंगर में, इस पे भी हम हाफ एरिया पे कलर एप्लीकेशन करके ब्लेंड कर देंगे। दूसरा वाला हाथ हमारा क्योर हो गया। अब सेम वही प्रोसीजर हम दोबारा अप्लाई करेंगे, सेकेंड कोट करेंगे पैरेट ग्रीन कलर की, और उसे अगेन हम लाइनिंग को ब्लेंड कर देंगे स्पॉन्ज से। देखिए हमारा ओम्ब्रे इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है, और जो रिंग फिंगर थी उसके ऊपर सेकेंड कोट दे दिया है मैंने जेल का, एंड अगेन स्पॉन्ज के साथ मैंने उसको लाइनिंग को ब्लेंड कर दिया। और अब ब्रश आर्ट करेंगे हम मिडिल फिंगर पे। इसके लिए हम लोग एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करेंगे जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो आप फेविक्रिल के यूज़ कर सकते हैं या आप पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम येलो कलर भी हल्का सा ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग लाइन पे, ताकि हमारा जो ओम्ब्रे का इफेक्ट है एकदम परफेक्ट आ जाए, और स्पॉन्ज के साथ उसको भी ब्लेंड कर देंगे ग्रे कलर एंड पैरेट ग्रीन ग्रीन कलर में। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और रिंग फिंगर पे भी एक बार और सेकेंड कोट करके उसे भी हम ब्लेंड कर देंगे स्पॉन्ज से। आपका जो स्पॉन्ज है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एकदम लाइट स्पॉन्ज, और आपने जो ब्लेंडिंग लाइन करनी है वो एकदम फेदर टच से देना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको पुश कर रहे हो, तो अगर आप ज़ोर ज़ोर से पुश करोगे तो उसमें बबल्स क्रिएट हो जाएंगे या अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, इतना स्मूथ फिनिश नहीं आएगा। सो बी केयरफुल अबाउट योर स्पॉन्ज, आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्पॉन्ज यूज़ करना है। अब हम मिडिल फिंगर पे रेडी करेंगे प्रोडक्ट। हमारे मिडिल फिंगर पे जो हमने ब्रश आर्ट करनी है, मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही मैं अभी पहले इसमें स्पाइडर जेल लगाऊंगी। तो स्पाइडर जेल जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे ही आप उसको एप्लीकेशन करें वो फैले ना, उसको बहुत केयरफुली आप यूज़ करना। अगर आपकी स्पाइडर जेल जो है एप्लीकेशन करते ही फैल रही है, दैट मीन्स वो आपकी अच्छे ब्रांड की नहीं है, या फिर वो स्पाइडर जेल ख़राब हो चुकी है। सी इसमें आप देख सकते हैं कितना क्लियर आ रहा है, एक एक स्ट्रोक जो है बहुत ही ज़्यादा नेट तरीके से आ सकता है। अगर इसमें आप जो है टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं इसे एप्लीकेशन करने के लिए, और आप किसी ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। इसको हम क्योर करा देंगे स्पाइडर जेल को, और तब तक हम ऐसा करते हैं बाकी नेल्स को हम लोग क्योर करा के दूसरे वाले हाथ में अगेन स्पाइडर जेल दे रहे हैं। मैं राउंडेड फॉर्म में लेते हुए अपनी टूथपिक को घुमा रही हूँ, ताकि मेरी एक एक लेयर जो है स्पाइडर जेल की वो बहुत नीट आ जाए। तो ये नहीं कि आप एक ही जगह पे यहाँ उसको स्ट्रेट या राउंडेड तरीके से लगा रहे हो। बाकी नेल्स को हम तब तक यूवी टॉप कोट से क्योर कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ करी थी, तो मैंने अपर एंड लोअर साइड दोनों साइड्स में यूवी टॉप कोट लगाया है रिंग फिंगर पे। उसमें हमने फॉइल डिपॉजिट किया था तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी नेल्स पे यूवी टॉप कोट लगाने के बाद
हमारे वो नेल्स फाइनल हो जाएंगे, और एक सिर्फ मिडल फिंगर रहती है जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तब तक हमारा स्पाइडर जेल भी जो है क्योर हो जाएगा। जब तक स्पाइडर जेल क्योर नहीं हो जाता तब तक हम उसके ऊपर ब्रश आर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपकी स्पाइडर जेल अच्छे से क्योर हो जाए। मैं वाइट कलर यूज़ करूँगी पहले, हल्का सा उसमें वाटर भी मिक्स कर लेना आप, क्योंकि अगर आप वाटर मिक्स कर लेते हो तो उसके ना जो सूखने का लेवल होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब मैं एक लीव्स बनाऊंगी स्पाइडर जेल के साथ ही। आप देख सकते हो आपको ब्रश जो है बहुत ही बारीक वाला यूज़ करना है। मेक श्योर फ्रेंड्स जो आपके ब्रश आर्ट है वो बहुत ही नीट हो, क्योंकि एक ब्रश आर्ट ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई नेल आर्टिस्ट नहीं कर सकता है। नेल एक्सटेंशन करने के लिए तो बहुत सारे जन होते हैं, बट ब्रश आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका हाथ जो उसमें बहुत नीट होता है तो ही उसकी एक अच्छी सी लुक आती है। सो यू कैन सी अभी मेरे नेल में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है लीव्स का। हमने जो वाइट बेस दिया था लीव्स बनाई थी वो अब सूख चुके हैं, तो उसको सूखने के बाद जो है हल्का सा मैंने येलो कलर, जैसे थर्ड या फोर्थ लाइन ऑफ लीव से आप उसको कलर देंगे, ताकि वो ऐसे लगे कि शेडिंग लुक आ रही है। क्योंकि हमने नेल्स भी ओम्ब्रे इफेक्ट में बनाया है तो हमें लीव्स भी ओम्ब्रे इफेक्ट में दूंगी मैं। सो देख सकते हो वाइट एंड येलो का टोन दिया है मैंने पहले, अब मैं पैरेट ग्रीन कलर का टोन दूंगी। हल्का सा वाटर मिक्स करके अगेन लास्ट वाले लीव्स पे जो है ग्रीन इफेक्ट दूंगी। बहुत ध्यान से लगाना है ताकि आपका ग्रीन कलर जो है आउटर में ना जाए वाइट के। अगर वो आउटर में जाएगा तो आपके नेल की जो पिक्चर्स आती हैं, वैसे भी आजकल हाई डेफिनेशन में होती हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से आपकी गलतियाँ पकड़ी जाती हैं। तो आप बहुत नीट वर्क करिए ताकि कैमरा भी आपकी गलतियों को ना पकड़े। बाकी नेल्स पे हम लोग यूवी टॉप कोट लगा देंगे और उन्हें हम क्योर करा देंगे। दोनों हाथ अब क्योर हो रहे हैं क्योंकि हम सिंगल सिंगल फिंगर पे वर्क कर रहे हैं। बाकी फिंगर्स हम टच करके देखेंगे वो यूवी टॉप कोट से क्योर हो चुके हैं। और मैंने जो यूवी टॉप कोट यूज़ करी है वो है नॉन वाइप। इस फिंगर पे भी हम लोग दूसरे हाथ की अगेन वही सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। पहले वाइट से हम लोग लीव्स की ब्रश आर्ट करेंगे और उसके बाद जो है अगेन येलो की और ग्रीन की शेडिंग देंगे। देखिए आप मेरी जो लीव्स हैं कितनी नीट बन रही हैं। आपको भी ऐसे ही वर्क करना है, जितना हो सके उतना बारीक ब्रश यूज़ करिए इसके लिए। बहुत ही नीट होना चाहिए। और जैसे जैसे लीव्स का एक फ्लो नीचे जा रहा है क्यूटिकल एरिया की तरफ, वैसे वैसे लीव्स जो है बड़ी हो रही हैं। जैसे कि एक नेचुरल पेड़ों में या कोई टहनी तोड़ते हैं उसके ऊपर होती है, सेम वैसे ही। तो आपको नेचुरल लुक के साथ एक ब्यूटीफुल लुक देना है उसको। दूसरी साइड से भी इक्वल होनी चाहिए आपकी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर में क्यूटिकल एरिया जिस साइड से हमने अप्लाई किया था दूसरे वाले हाथ में, इस वाले हाथ में मैंने उसके ऑपोजिट साइड से यूज़ किया। तो जो साइड्स हैं उसका भी बहुत ध्यान रखना। सेम साइड्स पे आप वर्क करोगे तो लुक अच्छी नहीं आएगी कभी भी, हमेशा ऑपोजिट फिंगर्स पे वर्क करना है।
अगेन हम येलो का लुक देंगे पहले वाइट के ऊपर हमारे ड्राई होने के बाद, और इसके बाद जो है हम लोग ग्रीन का लुक देंगे। मैंने ऊपर की 3 लीव्स छोड़कर, मतलब एक सिंगल और दो उसके नीचे वाली लाइन, उसके बाद जो है हमने 2 लाइंस पे येलो दिया है। यू कैन सी अगेन अपर वाले जो ब्रश आर्ट किया है मैंने, लीव्स के बेल बनाई है उस पर भी सेम वैसे ही करूँगी। और मेक श्योर आपका जो कलर है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो, उसके अंदर अच्छे से दिखे आपका कलर, ये नहीं कि पैचेस बन जाए। अब मैं ग्रीन लगाऊंगी, और प्लीज़ आप अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे इस चैनल की वीडियोस जो हैं और मेरे डिज़ाइनिंग्स, तो प्लीज़ आप मेरे सब चैनल को, द ज्ञान गुरु जी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना गाइस, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसके रिगार्डिंग आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही है नेल एक्सटेंशन करने में या डिज़ाइनिंग करने में, तो आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं इस वीडियो पे। कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो डाल दूँ, डेली ना सही तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन में ज़रूर एक डालूँ, ताकि आप अपडेट होते रहें लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन। और अगर नेक्स्ट डिज़ाइन कोई देखना चाहें तो आप उसकी भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसके भी ट्यूटोरियल वीडियो डाल दूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो ब्रश आर्ट करी थी वो सूख चुकी है, उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ अब पतला पतला जेल लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने जेल नेल एक्सटेंशन किया है। तो पतला पतला जेल लगाने से क्या होगा, उसके ऊपर एक कोटिंग मिल जाएगी और वो परमानेंट रहेगा। जैसे आप हैंड वॉश करेंगे या नेल पेंट्स का रिमूवर यूज़ करेंगे अपने नेल्स को क्लीन करने के लिए, तो वो रिमूव नहीं होगा, दैट विल बी परमानेंट। तो अगर आपको परमानेंट ब्रश आर्ट करनी है तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ट्रे है स्पेशली मैंने एक्रेलिक पेंट्स को घोलने के लिए ली थी, ताकि आपके प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर आपके एक्रेलिक पेंट्स में वाटर जाता है तो वो सारा ख़राब हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं वो क्योर हो चुका है। अब इस फिंगर पे हमने पहले जेल लगाया था पतला पतला, उसको क्योर कराया LED में, और अब इसके ऊपर मैंने मैट यूवी टॉप कोट लगा दिया है, क्योंकि मुझे इस फिंगर को मैट करना है और बाकी फिंगर्स को ग्लॉसी करना है। और सेम इस वाले हाथ में भी ऐसे ही करूँगी, जिस पे मैंने ब्रश आर्ट करी है उसको उसको हम मैट। मैट कर देंगे, और मैट करने के बाद आप देख सकते हैं क्या लुक आ रही है। और आई होप आपको ये मेरा डिज़ाइन बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय।